जी दोस्तों, तो आए बनाना सीखते हैं मज़ेदार से कोरियन स्टाइल सैंडविचेस मेरे स्टाइल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बासित महमूद के बावर्ची खाना में खुश आमदी। दोस्तों, आप सब लोग का बेहद शुक्रिया मेरी वीडियोज़ लाइक करने के लिए, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करने के लिए। कराची का मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है, बारिश हो रही है, शायद आपको आवाज़ भी आ रही होगी पानी गिरने की, तो अभी तेज़ हो गई है, पहले कम थी। मैंने सोचा इस मौसम के अंदर बहुत मज़ेदार से सैंडविचेस बनाए जाते हैं, तो मैं कोरियन स्टाइल सैंडविचेस बनाने जा रहा हूँ। एक सैंडविच हम एज इट इज़ वैसा ही बनाएंगे जैसा कोरियन स्ट्रीट्स पे मिलता है, और दूसरा हम थोड़ा वेरिएशन से बनाएंगे। तो हम टाइम वेस्ट के बगैर जल्दी से बनाते हैं कोरियन स्टाइल सैंडविचेस। एक चॉपिंग बोर्ड ले लेंगे। ये मेरे पास 200 ग्राम का चिकन का ब्रेस्ट पीस है। इसके हम बहुत पतले से, जितने पॉसिबल हो सके उतने पॉसिबल हम इनके पतले स्लाइसेस कट करेंगे, क्योंकि हम बोलोनिया स्लाइसेस नहीं यूज़ कर रहे, उसका अल्टरनेटिव हम ये यूज़ कर रहे हैं। तो जितने ज़्यादा बारीक होंगे उतना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। जी दोस्तों, तो इस तरीके से मैं सारे स्लाइसिस को कट कर लूँगा। कोशिश करूँगा सारे इवनली स्लाइस्ड हों और पतले ही हों, तकरीबन क्वार्टर सेंटीमीटर की थिकनेस के। एहतियात कीजिएगा, छुरी बहुत तेज़ है, हाथ में ना लग जाए। जी दोस्तों, तो मैं ऐसे सारे कट कर लेता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। जी दोस्तों, तो सारे स्लाइसेस कट हो गए हैं। अब हम इसको मैरिनेट कर लेंगे, एक बाउल में इनको डाल लेंगे। फिर इसके ऊपर हम मसाले शामिल कर देंगे। सिर्फ काली मिर्च, नमक और अदरक लहसुन पाउडर जाएगा और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल जाएगा। तो मैं सबसे पहले इसके ऊपर क्वार्टर टी स्पून काली मिर्च पाउडर डालूँगा। और एक मोटी चुटकी नमक की जाएगी, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और तकरीबन एक टेबल स्पून के बराबर जो है वो मैं ऑलिव ऑयल डालूंगा। टीस्पून समझ लें या टेबल स्पून समझ लें, आप सिंपल कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाला अच्छे से इसमें रच बस जाए। तो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट ये मैं लहसुन पाउडर डालना भूल गया था, मैं वो लहसुन पाउडर डाल लूँ पहले। जी, तो इसके अंदर क्वार्टर टी स्पून लहसुन पाउडर जाएगा, और आप फ्रेश लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट ये कम्प्लीटली मिक्स हो गया, इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं और हम अपनी बाकी रेसिपी के ऊपर आ जाते हैं, जो स्टफिंग वगैरह हमने तैयार करनी है और जो सब्ज़ियाँ काटनी हैं। दो बॉयल्ड अंडे ले लेंगे और उनको मैं कांटे की मदद से मैश कर लूँगा। अगर आपके पास दूसरा मैशर है, आप उससे भी मैश कर सकते हैं। दूसरा अंडा आप डालेंगे, उसको भी मैश कर लेंगे। जी दोस्तों, तो ये अच्छे से मैश हो गया है। इसके अंदर अब हम काली मिर्च डालेंगे, तकरीबन एक मोटी वाली चुटकी काली मिर्च की। एक ही चम्मच नमक जाएगा, मोटी वाली चुटकी सॉरी। और इसके अंदर सिरिराचा सॉस डालेंगे, हाफ टी स्पून, ऑप्शनल है, अगर आपके पास है डालें, नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। और एक टेबल स्पून मेयोनीज़ का डालेंगे, किसी भी ब्रांड का ले लें। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। जी दोस्तों, तो ये ऑलमोस्ट मिक्स हो चुका हुआ है। अब हम अपनी वेजिटेबल्स को कट कर लेते हैं, इसको साइड पे रख देते हैं। ये एक टमाटर है, इसके मैं बारीक बारीक स्लाइसेस काटूंगा, तकरीबन वही क्वार्टर सेंटीमीटर मोटाई के, हमें 6-7 चाहिए, 6-7 काटेंगे। जी तो इतने ही हमें चाहिए। अब हम इनको एक प्लेट में रख लेते हैं और इनको साइड पर कर लेते हैं। जी दोस्तों, एक आइसबर्ग लेटस मेरे पास है, इसके मैं पत्तों को अलग अलग कर लूँगा हाथों की मदद से। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सादा वाला सलाद का पत्ता भी ले सकते हैं। ये सारे सेपरेट हो गए हैं, इनको हम एक बाउल में डाल के और इनको भी हम साइड पे रख देते हैं। और फ्रेंड्स, हमारे चिकन मैरिनेट हो चुका हुआ होगा, तो आए हम उसको भी फ्राई कर लेते हैं। एक तवा ले लेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा हम कुकिंग ऑयल डालेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम अपने चिकन के पीसेस रख देंगे जो हमने मैरिनेट किए हुए थे। अब इन्हें एक साइड से इतना पकाएंगे कि दूसरी साइड से रंग चेंज हो जाए। अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे और फ्रेंड्स, हम इनको इतना पकाएंगे कि इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन सा ब्राउन कलर आ जाए और दोनों साइडों पर अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए। फुल आग पे किया था, जल्दी से हो गया। अब हम इनको निकाल लेंगे, उनको ठंडा होने देंगे, हमें यही कलर चाहिए था। जी दोस्तों, तो अब असेंबलिंग करते हैं। मैं जो 6 ब्रेड स्लाइसेस मैंने लिए हैं, इनके कॉर्नर्स में ऊपर और नीचे साइड वाले कॉर्नर्स काटूंगा, लेफ्ट और राइट साइड वाले नहीं कट करूंगा। अब एक इस तरीके का बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर ले लेंगे, उसके ऊपर हम ब्रेड के स्लाइसेस को रख देंगे
तीन स्लाइसेस लेंगे, उन पे मेयोनीज लगाएंगे और इसको अच्छे से हम अप्लाई कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे ताकि इसके कॉर्नर्स पे स्पेशली। फ्रेंड्स मैंने कमी मेयोनीज डाली, अगर आप मेयोनीज लवर हैं आप ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अवॉइड करने से मैंने कम डाला, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं मेयोनीज, ठीक है, ये भी अच्छी खासी क्वांटिटी है। फ्रेंड्स अब स्लाइसेस को लग गए, अब इसमें हम आइसबर्ग लेटर्स रखेंगे पहले वाले स्लाइस के ऊपर, इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि स्लिप नहीं हो। अब इसके ऊपर हमने जो चिकन के पीसेस थे फ्राई किए पैन में वो इस पर रखेंगे, चार पांच रख देंगे ताकि थोड़ा हैवी सा हमारा सैंडविच बन जाए, मज़ेदार से फ्लेवर वाला। अब इसके ऊपर हम अमेरिकन चेदर चीज़ का स्लाइस रख देंगे और इसके साथ साथ हम इसको फोल्ड कर देंगे सेंटर वाले स्लाइस की मदद से। फ्रेंड इसके ऊपर हम जो हमने अंडे का जो बनाया था स्टफिंग वो इसके ऊपर रखेंगे एक चम्मच। अब इसके ऊपर टमाटर के स्लाइसेस रख देंगे, आपकी मर्जी, आप कम ज़्यादा रख सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद आप खीरा यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा आइसबर्ग लेटस और लगाएंगे, इसको फोल्ड कर देंगे जो हमारे पास स्लाइस है इससे, और इसको रैप कर लेंगे। फ्रेंड्स रैपिंग आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है, मैं एक्चुअली मेरी रैपिंग इतनी प्रैक्टिस नहीं है, ना मैं अच्छा हूँ रैपिंग में, तो आप गुजारा कर लें जैसी भी है, आप ऐसे इसी तरीके से फोल्ड कर लें रफली सा दोनों साइड से। जी दोस्तों तो हम इसको साइड पर रखेंगे और अपना दूसरा सैंडविच रेडी कर लेंगे। सेम वही प्रोसीजर, शीट लेंगे एक, उसके ऊपर थ्री स्लाइसेस रखेंगे, ये वेरिएशन वाला है। एक पे मैं मेयोनीज लगाऊंगा, एक पे ग्रीन मिंटी चटनी लगाऊंगा, एक पे मैं कैचअप लगाऊंगा, ठीक है। इन्हें अच्छे से हम अप्लाई कर देंगे सारा, वही कॉर्नर्स का ख्याल रखते हुए इवनली स्प्रेड करना है इसको सब जगह पे। जी दोस्तों तो आइसबर्ग लेटर्स रखेंगे सबसे पहले केचप वाली स्लाइस के ऊपर, अब चिकन पीसेस रखेंगे इसके ऊपर, चीज़ का स्लाइस रखेंगे, अमेरिकन चैदर चीज़ है ये, आप कोई सी भी बर्गर चीज़ ले लें, इसको फोल्ड कर लेंगे इस साइड पे, और जो हमारे अंडे की स्टफिंग थी वो उसके ऊपर भर के स्कूप डालेंगे, क्योंकि हमने दो ही सैंडविच बनाने थे, सारी इस पर डाल देंगे, इसको इक्वली फैला देंगे। अब इसके ऊपर हम टोमेटो स्लाइसेस लगाएंगे और आइसबर्ग लेटस लगा देंगे, और इसको हम बारबेक्यू सॉस से थोड़ा सा ड्रिजल करेंगे, आपकी मर्जी, अगर चाहे नहीं चाहे तो ऐसे भी ठीक है। अब इसको हम कवर कर लेंगे और इसको भी फिर से रैप कर लेंगे, और आपको तो पता है रैपिंग मुश्किल काम है, तो बस गुजारा लाइक करते हैं हम, सिंपल सा इस तरीके से इसको टर्न कर लेते हैं, यहाँ से इसको भी टर्न कर लेते हैं। जी दोस्तों इसको दो इक्वल पार्ट्स में कट कर लेंगे हम। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं इनके कलर्स कॉम्बिनेशन, तो दूसरा वाला भी कट करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये हैं हमारे कोरियन स्टाइल सैंडविचेस टोमेटो केचप के साथ, बहुत कलरफुल से, बहुत टेम्पटिंग से लग रहे हैं ये। तो दोस्तों उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ थम अप कर दीजिएगा, यानी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियोस की अपडेटिंग आपको फ्यूचर में मिलती रहे टाइम के साथ ईमेल के थ्रू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मुझे इजाज़त दे दीजिए, अल्लाह हाफिज़।